हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आज एसएससी सीएचएसएल के यूट्यूब प्रोग्राम में हम मैथ्स में डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? तो वो है पहला आपका है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम हम देखने वाले हैं। दूसरी बात हम क्या देखेंगे, तो यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं, क्योंकि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है 2018 का आप कोई भी पेपर निकालें, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की, 2018 के शिफ्ट के पेपर निकालेंगे तो हर शिफ्ट में एक सवाल जो आपके नंबर सिस्टम से आता है वो इसी टॉपिक से आता है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही है, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। मैं हूं सौरभ और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में कंपटीशन कम्युनिटी के। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस जो है वो आपको टाइमली मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एसएससी सीएचएसएल का प्रोग्राम चल रहा है। इस लेक्चर का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो लेक्चर अपलोड होने के कुछ घंटों के अंदर ही, एक दो घंटे के अंदर ही आपको मिल जाता है कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट पर, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां आपको जाके रजिस्टर करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम यहां पे जो प्रैक्टिस शीट आपको वीकली बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी आपको कंपटीशन कम्युनिटी की वेबसाइट पे मिलेगा, और नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन करें ताकि वहां पे भी हमारे जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 के पेपर में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तीन टॉपिक, एक नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडाइसेस और सिंप्लीफिकेशन। मैंने कहा था कि इसमें से दो सवाल फिक्स्ड है, जिसमें से एक सवाल सिंप्लीफिकेशन का फिक्स्ड रहता है और इसमें से एक सवाल फिक्स्ड होता है। तो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स में, यानी नंबर सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है, सर्ट्स इंडाइसेस तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन नंबर सिस्टम में भी ये डिविजिबिलिटी रूल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे सवाल एसएससी में आया हुआ है तो आगे भी आने के चांसेस रखता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। तो हमेशा की तरह पहले मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, थ्योरी बताने के बाद सारे क्वेश्चन इकट्ठा हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगता है। हर एक नंबर का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक से लेकर नौ तक की अगर हम बात करें तो। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी नंबर बना तो कैसे बना, प्राइम नंबर को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करने से बना, यही चीज हम पिछले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 के पावर में कोई भी नंबर आप लगा लें तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर हमने 2 के पावर में 1 लगाया है तो आखिरी डिजिट जो है वो 2 से कटना चाहिए। मतलब कि अगर मैं कितना भी नंबर बड़ा नंबर लिख लूं 3897, इसके आखिरी में एक ऐसा डिजिट होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट में एक ऐसी संख्या होना चाहिए जो 2 से कट रही है, इसके सामने जितना भी नंबर बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि विभाज्यता की नियम 2 के लिए क्या है कि यूनिट डिजिट पे 2 से डिविजिबल वाला नंबर होना चाहिए, जो कि है 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये 5 में से कोई भी एक नंबर यूनिट डिजिट पे है, इकाई अंक पे है, तो आपका जो पूरा नंबर है वो 2 से कटता है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि है 2 का स्क्वायर। जैसे ही मैंने यहां 2 के 1 से बढ़कर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो बनता क्या है, 2 का स्क्वायर बनता है 4। अब 4 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि आखिरी के 2 डिजिट जो है वो 4 से कटने चाहिए। जब 2 के पावर 1 था तो आखिरी डिजिट 2 से कटना चाहिए था, जैसे ही 2 के पावर 2 हुआ तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। कहने का मतलब यह है कि नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, आखिरी के जो 2 डिजिट आए ये 84 जो है, आपको बस यह देखना है कि ये 84 क्या 4 से कट रहा है क्या। अगर ये आखिरी के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है, ये जितना भी बड़ा नंबर हो ये पूरे के पूरे 4 से कटेंगे। क्लियर? तो 2 के पावर आप कितना भी नंबर लिख लें, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 आया तो 4 बना, इसी प्रकार 2 के पावर 3 आएगा तो भी डिविजिबिलिटी रूल यही होती है। 2 के पावर 3 जैसी करेंगे तो यहां से आ जाएगा 8। 2 के पावर 3 करने पर 8 आता है, तो अब क्योंकि हमने पावर में 3 किया तो आखिरी के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए।
मतलब अगर मैं इस तरीके से कोई नंबर लिखूं 7852512 इस तरीके से मैंने लिखा, तो ये आखिरी के तीन नंबर 512 जो है ये कहीं ना कहीं 8 से कटता है, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से कटेगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी क्योंकि ये 2 की पावर 3 होता है, तो आखिरी के तीन डिजिट देखेंगे और देखेंगे कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये होती है 8 की विभाज्यता का नियम। ठीक, तो ये तो कुछ बातें हो गई कि 2 की पावर अगर हम बढ़ा रहे हैं तब क्या होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए अगला सवाल यहां पर है, अगला जो पॉइंट है वो है 5। 5 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि आखिरी जो अंक है वो आपके 5 से कटना चाहिए, यानी आखिरी अंक 5 से कटने का मतलब 20, 75 ठीक है, 385, 4205 इस तरीके से कोई भी नंबर। मतलब कि आपको यह समझना है कि आखिर के नंबर में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 में से कोई भी एक वैल्यू है तो ये नंबर जो है वो 5 से पूरी तरह से कटेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो जैसा जैसा 2 का नियम है वैसा वैसा 5 का भी नियम है। जैसे 25 की बात करें तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। 25 क्या है तो 5 का स्क्वायर है, और जैसे ही 5 का स्क्वायर बना तो आखिरी के दो डिजिट जो है वो 25 से कटना चाहिए। मतलब आखिरी के दो डिजिट में या तो दोनों 0 होने चाहिए, या तो दोनों 25 होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए, या तो 75 होना चाहिए। अगर ये आखिर में आपको ये दो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, तो वो नंबर 25 से कटेगा। इस चार संख्याओं के अलावा आखिर के दो डिजिट में कुछ भी और वैल्यू मिला तो वो 25 से नहीं कट सकता नंबर। ठीक है, इसी प्रकार 125 भी होगा, जो 2 का रूल है वही 5 का रूल है। 125 कैसे बना, 5 के क्यूब से बना। तो 5 का क्यूब अगर किसी नंबर में छुपा हुआ है तो आखिरी के तीन डिजिट डेफिनेटली इसमें कटने ही चाहिए। ठीक है, तो आखिरी के तीन अंक जो 125 से कटने चाहिए, तो ये नंबर जो है वो 125 से पूरी तरह से कटेगा। अब आते हैं 3। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अंकों का जो योगफल है वो 3 से यदि विभाज्य हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है 3 से कटेगा। जैसे कि मैं कहूं 243 का मतलब क्या है, 2+4+3 कर लो तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 2+4+3 करने पर 9 आया, तो आपको बस ये देखना है कि जो सम निकल के आया क्या ये सम 9 से, 9 जो सम निकल के आया वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 3 से कटेगा यानी नंबर जो है 243 ये भी 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। यही है 3 का विभाज्यता का नियम। चलिए, 9 से जो विभाज्यता का नियम है वो होगा वो 3 के जैसा ही है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई नंबर 9 से पूरी तरह से कटता है तो इसमें इसका जो अंकों का योगफल है वो 9 से कटना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूं 8271। अगर मैंने 8271 लिखा है तो आपको यहां पे करना क्या है, आपको ये जो अंक दिख रहे हैं उसको जोड़ना है। पहले क्या करोगे, 8+2+7+1 करोगे, 8+2 10+7 17 इसको जोड़ना है। ठीक है, 8+2+7+1 इसे इन चारों संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। पहले 8+2 10 हो गया, 10+7 17+1 करोगे तो 18। अब देखना ये जो 18 निकल के आया क्या ये 8-9 से पूरी तरह से कट रहा है। अगर ये 9 से पूरी तरह से कट रहा है तो 8271 जो नंबर है ये भी पूरी तरह से 9 से कटेगा। ये है आपके 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे 11। 11 एक इंपॉर्टेंट है, फिर से यहां पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कंफ्यूजन को दूर करने की। 11 का विभाज्यता रूल ये कहता है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। संख्या के वैकल्पिक अंकों का योगफल का अंतर जो है वो 0 होना चाहिए अथवा 11 का गुणज होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है 14641। अगर हमें पता करना है कि ये नंबर 11 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो आपको क्या करने होंगे, आपको वैकल्पिक नंबर्स यहां पे लेने होंगे। जैसे कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 1 आएगा फिर 6 आएगा और 1, तो 1+6+1 करो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक, तो ये पहला हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर से स्टार्ट करना है। मतलब ये ऑड नंबर्स हमने पहले देखे और एक छोड़ के एक जोड़ा, इसी प्रकार हमको सेकेंड नंबर से स्टार्ट करना होगा, 4+4 करना होगा। 4+4 करने पर कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं, ठीक, ऊपर और नीचे दोनों का यदि मैं डिफरेंस लेता हूं 8 और 8 का डिफरेंस, तो यहां 0 आ रहा है।
तो संख्या में जब भी हम ऐसे अल्टरनेट नंबर को एक छोड़कर एक नंबर को जोड़ते हैं तो ऐसे दो तरीके के दो श्रेणी बनते हैं, पहला जो पहले संख्या से स्टार्ट हुआ और दूसरी श्रेणी बनेगी जो दूसरे से चालू हुई। तो इन दोनों का जो योग आया, पहले वाले का जो योग आया, दूसरे वाले का जो योग आया, इसका फिर आपको लेना है डिफरेंस यानी अंतर लेना है। ये जो अंतर निकल के आया या तो जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कुल मिला के 11 का मल्टीपल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि शून्य भी 11 का मल्टीपल है। 11 गुणे शून्य करोगे तो शून्य आएगा, ठीक। तो ये जो संख्या निकल के आई या तो शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये जो नंबर हमने लिखा 14641 ये भी आपके 11 का मल्टीपल होगा, ठीक। चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। आशा करता हूं आपने ये सारी चीजों को अपने नोटबुक पर लिख लिया होगा। अब हम आते हैं कुछ सवालों को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, कुछ आसान आसान सवाल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि इस स्टार के जगह पे क्या आए, कि ये जो नंबर है पूरा लिखा हुआ है ये आपके 9 से पूरी तरह से कटना चाहिए। तो 9 से कटने का मतलब क्या है कि संख्याओं का जो योगफल है वो 9 से कटना चाहिए। तो संख्याओं का योगफल मतलब एक तरह से डिजिटल सम ही हो गया। तो आइए इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये 1 और 8 तो 9 बन गया, ये कट जाएगा। 6-3 जो है ये भी 9 से कट जाएगा। 2-7 ये भी 9 है, ये भी कट जाएगा। यानी 27 तो पूरी तरह 9 से कटना ही है। आगे क्या बच रहा है देखिए, 7+4 मतलब 11 प्लस ये जो स्टार है इसका जो सम है ये कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब अगला 9 का मल्टीपल क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि 11 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर जो नंबर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्टार में जो भी ये वैल्यू आप जोड़ रहे हैं प्लस 11 आएगा। 11 कहां से आया, 7 और 4 को जोड़ने से आया। इसका जो योगफल है वो 18 के बराबर होगा, मतलब जो संख्या है वो 18-11 जो कि क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। मतलब इसके जगह पे 7 होना चाहिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। 7 अगर वहां पे है तो संख्याओं का योगफल जो है वो कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल आएगा और जो संख्या है पूरी तरह से 9 से विभाज्य होगी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है कि इस संख्या में अगर इसे 3 से डिविजिबल होना है तो सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स एट द प्लेस ऑफ स्टार। यदि ये जो संख्या है 3 से विभाजित हो तो स्टार के वजह जगह पर आने वाले सभी अंकों का क्या योगफल हो सकता है। तो यहां पर जो संभावित संख्या है स्टार के जगह पे, उसके जगह पर जो भी वैल्यूज आ सकते हैं उन सभी का योगफल हमें निकालना है कि वहां पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, उसका योगफल निकालने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 9, 5, 4 ये तो 9 से कटता ही, 7 भी कटता है, ठीक है। 1 और 4 5 होता है, या फिर इस तरीके से 1 और 8 को हटा सकते हैं हम, क्योंकि 1, 8 भी 9 होता है। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है वो 3 का मल्टीपल बन रही है, तो ये सारी चीजें तो 3 से कट ही जाएंगी। तो रिमाइंडर एक्चुअल में बच क्या रहा है वो देखना होगा हमें। ये है 2, 4+7 मतलब 11, 11 प्लस स्टार है। इस स्टार को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक, एक्स। तो यहां पर सबसे पहला जो नंबर आप लिख सकते हैं वो है 12, क्योंकि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 का गुना जाना चाहिए इन सभी संख्याओं का सम करने पर। तो इसका मतलब x का पहला मान जो हो सकता है वो हो सकता है 1। अगर यहां 1 आ सकता है तो इसमें प्लस 3 करोगे तो आप 4 भी लिख सकते हो, प्लस 3 करोगे तो यहां पे 7 भी आ सकता है। इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट का मतलब 1 से लेकर 9 या 0 से लेकर 9 के बीच में जो वैल्यूज आते हैं वही, ठीक है। तो कैसे मैंने यहां पर 1, 4, 7 लिख दिया वो आप समझिए, क्योंकि यहां या तो 12 बन सकता था, ठीक है, 11 प्लस 1 करने पर 12 बन सकता है तो भी आपका 3 का मल्टीपल है। 11 प्लस 4 करने पर 15 आ रहा है जो कि फिर से 3 का मल्टीपल है। 11 प्लस 7 करने पर 18 आ रहा है जो कि फिर से 3 का मल्टीपल है। तो क्योंकि हमारा रूल ये कहता है 3 से विभाज्य होने के लिए जो योगफल होता है सभी अंकों का योगफल वो कहीं ना कहीं 3 से कटना चाहिए। और 3 से कटने के लिए या तो आप उसे 12 बना सकते थे, आप 15 बना सकते थे, आप 18 बना सकते थे। 12 से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि 9 आएगा, उस केस में आपका x नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव नंबर होता नहीं है डिजिट। और 18 से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 18 से ऊपर अगला 21 आता है, उस केस में x आपका 2 डिजिट की अंक बन जाएगी जो कि 10 है। इसलिए 3 ही संभव संख्याएं हैं और वो संभव संख्याएं क्या क्या है, 1 है 4 है और 7 है। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 1+4 5+7 करोगे तो 12 जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां दिया हुआ है, इफ 579634*07 इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड द प्लेस फॉर प्लेस ऑफ स्टार, मतलब स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से विभाज्य हो। इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सिमिलर पैटर्न का सवाल है, ठीक, या मैं प्रैक्टिस शीट में भी इसको दलवा दूंगा चाहो तो, ठीक। तो इसका उत्तर आपको देना है क्योंकि सिमिलर पैटर्न का सवाल मैंने जानबूझ के लगाया ताकि आपसे ये बन सके। अगला सवाल देखते हैं, यहां दिया हुआ है x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। तो x के किस मान के लिए आपको निकालना है ये 7 अंकों वाली संख्या जो है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है कि आपको यहां से स्टार्ट करना होगा, पहली संख्या 7, फिर 2, फिर x और 3, इसको जोड़ना होगा। तो मैं ग्रीन में लिखता हूं 7+2+x+3, तो कितना आ गया, तो आप कहोगे 12+x आ गया। अब येलो में लिखते हैं सेकंड से जो स्टार्ट हो रहा है, सेकंड नंबर से क्या स्टार्ट हो रहा है, 8, 1 और 5। तो 8+1+5 करोगे तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। अब रूल ये कहती है कि आप वैकल्पिक स्थानों पर जो संख्या है उसको जोड़ने के बाद इसको घटाना होता है, इन दोनों को घटाओगे तो 12+x माइनस का 14 आएगा और ये बराबर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और 0 पे अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब हम 11 के मल्टीपल में जाएंगे। 0 से सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब ये है कि अगर जब हम यहां पर वैल्यू डाल रहे हैं तो x का जो मान है वो 0 से 9 के बीच में ना आकर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 2 डिजिट का है, ऐसे केस में आपको यहां पर 0 ना लेकर 11 का मल्टीपल लेना होता है, ठीक है, ऐसा सवाल भी हम देखेंगे आगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा, तो x का मान है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो x-2=0 यानी x=2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहां से थोड़े से और लेवल बढ़ेगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2018 का, अगर आप पेपर लगाएंगे प्रीवियस ईयर का, इस तरीके का सवाल आपको भरपूर मात्रा पे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, 6 डिजिट नंबर है, यहां पे आपका जो नंबर दिए हुए थे वो थे 15x1y2 इज डिविजिबल बाय 44 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y। तो ये x+y का मान याद करना है जिससे कि 6 अंकों वाली संख्या है 15x1y2 44 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो मैंने आपको कभी भी 44 का विभाज्यता का नियम तो नहीं बताया, क्लियर, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा है 44 से डिविजिबल होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, आपको 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा यानी अभाज्य गुणन खंडन करना होगा, तो होता है 4×11। अभाज्य गुणन खंडन के बाद आपको देखने होंगे इसके फैक्टर क्या क्या है, एक तो 4 आया, दूसरा 11 आया, तो संख्या जो है वो 11 से भी पूरी विभाज्यता के नियम को सेटिस्फाई करना चाहिए और साथ में 4 के विभाज्यता के नियम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब पहली बात आप यह समझिए कि हमारा आंसर जल्दी किससे आएगा, क्या 11 के विभाज्यता के नियम से आएगा जल्दी या 4 के विभाज्यता के नियम से। आप खुद ही सोचिए, 4 के विभाज्यता के नियम में आखिर के दो संख्या 4 से कटने चाहिए, तो इसमें तो केवल y की बात हो रही है और हमें x+y निकालना है, और x+y केवल 11 के विभाज्यता के नियम से ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली 11 के विभाज्यता के नियम को सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो लिखने की कोशिश करते हैं, यहां पे आएगा 1 फिर x+y, 1+x+y आ गया, और दूसरे तरफ से देखते हैं, दूसरे तरफ से आएगा सेकंड नंबर से तो 5+1+2 आएगा, 5+1+2 यानी 6+2 यानी कि 8, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से काटोगे तो 7 आ रहा है, मतलब x+y जो है वो आपका 7 होगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो आपको यहां पर बी ऑप्शन डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं, जस्ट आपको यह देखना है 11 का विभाज्यता का नियम, 4 का कोई जरूरत नहीं है, y के बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है, 12 पॉसिबल है, 32 पॉसिबल है, ठीक है, 52 पॉसिबल है, तो इस तरीके से y का बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है, और अगर y 1 हुआ तो x जो है आपका 6 बन जाएगा, 6-1, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। y अगर 3 हुआ तो x का वैल्यू जो है ये 4 हो जाएगा, लेकिन हमें यहां पर डायरेक्टली जब x+y पूछ रहा है तो x+y तो डायरेक्ट 11 के विभाज्यता के नियम से आ जा रहा है, तो हमें यहां पर x y को अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बात मैं अभी कह रहा हूं इसको हम थोड़े और आगे चलेंगे तो और सवाल आएंगे इस प्रकार के, जहां हमें हिट एंड ट्रायल करके
एक्स का वैल्यू अलग वाई का वैल्यू अलग भी निकालना होता है। ठीक, इसे भी कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं अगला सवाल। यहां पे 99 से कटना चाहिए ये वैल्यू, 99 से। तो 99 से कटना है तो आप खुद ही बताइए कि सबसे आसान क्या होगा। आप 9 से चेक कर लीजिए, क्योंकि 9 से चेक करना ज्यादा आसान है। तो अगर 9 से चेक करना है तो सारे नंबर का जो योगफल है वो आपके 9 से कटना चाहिए। तो मैं देख लेता हूं, 1 और 8 9 हो गया, इसको हटा देते हैं। 5 4 9 हो गया, इसको भी हटा देते हैं। एक्स प्लस 6 है, एक्स प्लस 6 जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, पहला 9 ही होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, तो 3 ही आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो आप क्रॉस चेक करने के लिए 11 का मल्टीपल बना कि नहीं बना ये आप देख सकते हैं। तो देखिए 1 0 3 4, 1 + 0 + 3 + 4 मतलब कितना, तो 8। ठीक है, ये हो गया ऑल्टरनेट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम पहला वाला डिजिट। दूसरा वाला डिजिट से स्टार्ट करोगे 5 + 8 + 6, तो 5 + 8 + 6 करने पर आ रहा है 19 19। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। तो 19 और 8 का जो अंतर होता है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है, वो है 11। और कहीं ना कहीं 11 11 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 11 से भी कटेगी। अब मैंने 9 और 11 ही क्यों चुना, क्योंकि 99 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 9 और 11 आया। मैंने आपको कभी भी 99 का विभाज्यता का नियम नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन बता के रखा हुआ है। और इस वीडियो में हमने 9 का भी पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल और 11 का भी पढ़ा है। ज्यादा आसान 9 था, तो इसलिए मैंने 9 से ही चेक किया और 9 से हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 3 का आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं अभी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे सॉल्यूशन बताने के पहले एक बार खुद से सवाल को लगाने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में 8 अंक है जहां पे एक्स वाई कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, और ये 88 से कटना चाहिए। ठीक है, 88 से, और आपसे पूछ रहा है 4x + 3y का वैल्यू। तो 88 का मतलब क्या होता है, 88 बना है 8 × 11 से, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा। दो वाले को अलग कर दिया, 11 को अलग कर दिया, अलग अलग प्राइम नंबर्स। अब इस नंबर में सबसे पहले तो बताइए y और x इसका कंपैरिजन कैसे हो सकता है। मैं पहले 11 से चेक कर लेता हूं, 11 के विभाज्यता में आओगे तो 4 1 x + y, यानी 4 + 1 हो गया 5, प्लस एक्स प्लस वाई हुआ पहला वाला को ऐड करने पर जो वैल्यू आ रहा है। दूसरे वाले को ऐड करोगे तो यहां से आना पड़ेगा 2 फिर 4 फिर 6 फिर 6, 2 + 4 हो गया 6 + 6 + 6, यानी टोटल 18, यानी माइनस का 18 जो है ये बराबर 0 है। यानी कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वो 13 के बराबर है, 13 के बराबर है। ठीक, चलिए अगर ये 13 के बराबर है तो हमें x का वैल्यू अलग निकालना होगा, y का वैल्यू अलग निकालना होगा। अगर सवाल में ऐसा रहता कि x प्लस वाई का वैल्यू बताइए इस टर्म्स में अगर दिया रहता तो हमारा काम वहीं पे कंप्लीट था, क्योंकि x प्लस वाई 13 है, ये चेंज होने वाला नहीं। लेकिन x हमें अलग चाहिए, क्योंकि x में 4 मल्टीप्लाई करना है और y में 3 मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए अब हमें देखना होगा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है याद करने की कोशिश करिए। हमने देखा था कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल में आखिर के जो संख्या है 3, ये 8 से कटने चाहिए। तो आखिर के 3 संख्या क्या क्या है, 6y6 6y6 6y6। अब मैं आपको एक और छोटी ट्रिक बताता हूं। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में अगर ये वाला जो तीसरा अंक है, यानी सैकड़ा अंक जो है, यानी कि सैकड़ा अंक का मतलब है 100th place वाला जो संख्या है, अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो डायरेक्टली आप आखिर के दो संख्या देखिए कि ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक, तो डायरेक्टली दो नंबर, यानी कि ये जो नंबर है ये 8 से कटना चाहिए। मतलब y का वैल्यू या तो यहां 16 हो सकता है, या तो यहां पर 56 हो सकता है, या तो यहां पर 96 हो सकता है। यानी कि y के 3 नंबर पॉसिबल है, 1 5 और 9। तो 1 अगर दोगे तो इसका वैल्यू 12 होगा, अगर 5 देंगे तो इसका वैल्यू 8 होगा, अगर 9 देंगे तो इसका वैल्यू 4 होगा। पहला वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि 12 एक टू डिजिट नंबर है और हम x और y कह रहे हैं तो ये सिंगल सिंगल डिजिट है। ठीक, तो अभी आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर सैकड़ा अंक इवन है, यानी कि सम संख्या है,
तो डायरेक्टली आखिर के दो नंबर 8 से पूरी तरह से कटे ऐसा ही वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक का मतलब 16, 16 8 से पूरी तरह से कटता है, 5 मतलब 56, 56 भी 8 से पूरी तरह कटता है, 96 भी 8 से पूरी तरह से कटता है। लेकिन अगर यहां पर इवन की जगह ऑड होता, विषम संख्या होती, तो विषम संख्या के केस में क्या करना होता है, आखिर के दो नंबर ऐसे लेने होते हैं जो 8 से काटने पर ये जो लास्ट के दो नंबर है 4 रिमाइंडर छोड़े। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर 6 लिखा हुआ है तो आपको ऐसा नंबर सोचना होगा जो 8 से काटने पर 6 का रिमाइंडर दे, जैसे कि 36, ठीक, 36 जो है ये आपको 8 से काटने पर 4 का रिमाइंडर दे। ये कब करना है, जब ये वाला वैल्यू इवन यानी कि सम संख्या ना होकर विषम संख्या हो, ऑड संख्या हो, क्लियर है। तो अभी तो ये सम थी इसलिए ये वाला नहीं होगा, यहां पर डायरेक्टली 159 पॉसिबल है। अब जब 8549 है तो दो कंडीशन बन रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन से हमें देखना होगा कि उत्तर कितना आ रहा है, पहले वाले कंडीशन में और दूसरे वाले कंडीशन। तो आइए चेक करते हैं, इस वाले कंडीशन में जब 4x प्लस 3y निकालोगे तो 4x मतलब 4 इंटू 8 32 हो गया, प्लस 3 इंटू 5 करोगे तो 15, यानी कितना आ रहा है 47 आ रहा है। तो ये उत्तर हो सकता है। एक बार दूसरे वाले से देखिए कितना आ रहा है, 4 इंटू 4 करोगे तो 16, 9 इंटू 3 करोगे तो 27, दोनों को जोड़ने पर 43 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसी वाले से आंसर मार्क करेंगे और बी को उत्तर देंगे। तो इस तरीके के सवाल भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, आगे आने के चांसेस भी रखते हैं। तो ऐसे सवाल में आपको हिट एंड ट्रायल करना है, सारे ऑप्शंस निकालने हैं, उसके बाद देखना है कि कौन से ऑप्शन से आंसर आ रहा है, जैसे इसमें इस वाले से आ रहा था। कभी कभी सवाल ऐसा भी बन जाता है कि वाई के सबसे छोटे मान क्या संभव मान है, तो उस केस में तो इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि y का सबसे छोटा मान जो पॉसिबल है वो 5 है, तो उस केस में डायरेक्टली आपको यही चेक करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मेंशन नहीं किया रहा है, तो आपको जो भी वैल्यूज बन रहे हैं उन सभी वैल्यूज में चेक करके ऑप्शन में आंसर कौन सा आ रहा है वो आपको करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां दिया हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 6954x4 इज डिविजिबल बाय 12। x का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे 6954x4 12 से पूरी तरह से विभाज्य हो। अब 12 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है, 12 से विभाज्य होने का मतलब आपको करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 4 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा, मतलब जो संख्या है वो ना सिर्फ 4 से बल्कि 3 से भी पूरी तरह से कटना चाहिए। तो आइए पहले 3 से देख लेते हैं, 3 से काटने का मतलब इसका जो योगफल है वो 3 से कटना चाहिए, तो 6 और 9 तो 3 से कटते ही है, 5 प्लस 4 करोगे ये भी 3 से कटता है, मतलब x प्लस 4 एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से कटनी चाहिए। मतलब अगला वैल्यू यहां पर 6 हो सकता है, जिस केस में ये 2 बनेगा 24, या फिर यहां पर 6 ना करके इसको 9 बनाया जा सकता था, 9 बनाने पर ये वाला वैल्यू जो है आपका बन जाएगा 54। और आप इसको ऐसा भी बना सकते थे कि 84 कर दिया जाए और ये 12 बन जाए, इससे ऊपर हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो x का सबसे लीस्ट वैल्यू था यहां पर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता आगे बढ़ने का, सबसे छोटा वैल्यू तो x 2 ही होगा, ये सारी चीजें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर x का न्यूनतम मान दिया था, तो 2 पे आपको रुक जाना है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने वैकल्पिक तरीके से आपको बताया है, लेकिन एग्जाम में आपका जो सॉल्यूशन यही आ गया कि सबसे छोटा वैल्यू एक्स का 2 था और 2 से ही आपका उत्तर निकल रहा है 24, क्योंकि आप खुद ही सोचिए जब मैं यहां 24 लिखूंगा आखिर में ये 24, तो ये 4 से भी कट ही रहा है, ये तो वैसे भी नहीं बन सकता। दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक 24 का एक 84 का, लेकिन उसमें छोटा जो एक्स का मान है वो 2 वाला है, इसलिए यही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, अब हमें बताना है 72 से डिविजिबिलिटी, और ये 9 अंकों वाली संख्या है, तो 72 का आपको पहले क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 72 बना है 8 गुने 9 से, जिसमें 8 आपके प्राइम नंबर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बना है और 9 आपके प्राइम नंबर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से बना है। तो 8 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल यहां पर चेक होगा। तो सबसे पहली बात आप देखिए यहां पर, इफ द नंबर 9 डिजिट नंबर है जो कि 9 से और 8 से दोनों से कटने चाहिए, तो आप खुद ही बताइए कि यहां पर y का वैल्यू क्या पॉसिबल है। आपको देखना है 2, 9 और y, आखिर के तीन नंबर 8 से कटते हैं, तो वो संख्या पूरी 8 से कटती है। और मैंने आपको अभी भी शॉर्ट ट्रिक बताया कि जैसे ही आप देखेंगे कि सैकड़े अंक पर
इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो आखिर के दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो दो से आठ से पूरी तरह से कटे, और आठ से पूरी तरह से कटने का मतलब यहां पर केवल और केवल सिक्स आ सकता है, मतलब y का वैल्यू सिक्स, ये तो कंफर्म हो गया। y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स लिख सकते हैं। तो y हमने निकाल दिया, अब हमें को आठ के डिजिटी चेक करने के बाद नौ का डिजिटी भी सेटिस्फाई करना होगा। तो नौ का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, नौ के विभाज्यता का नियम कहता है कि आपके जो अंक है उन सभी का अंकों का योगफल जो है वो नौ से कटना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये नौ तो पूरी तरह से कट जाएगा, पांच चार भी कट जाएगा क्योंकि ये नौ से पूरी तरह से विभाजित है, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, छह है यहां पर, छह प्लस चार और चार प्लस छह होता है बीस, और बीस प्लस दो यानी बाईस, तो मतलब टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो है 22 प्लस का x। ये नंबर जो है आपके 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटना का मतलब अगला वैल्यू जो 22 से बड़ा है वो है 27, 27, 9 तिया 27 होता है, 9 थ्री 27, मतलब x का जो वैल्यू पॉसिबल है वो है 5, y का जो वैल्यू पॉसिबल है वो है 6। जब x को 5 और y को 6 लेंगे तभी जाकर नंबर 8 और 9 दोनों से कटेगा, यानी कि 72 से नंबर कटेगा। अब हमें निकालना क्या था उस पर थोड़ा नजर डालिए, हमें निकालना था 4x-3y, तो 4x-3y का वैल्यू हो जाएगा 4 3 20, माइनस 3y मतलब 3 6 18, तो दोनों को माइनस करने पर 2 हमारा उत्तर आ रहा है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, यहां पर आपको दिया हुआ है 10 डिजिट नंबर जो कि 88 से विभाज्य होना चाहिए, सच दैट लार्जेस्ट पॉसिबल x हो, मतलब कि x के सबसे अधिकतम मान के लिए आपको निकालना है वैल्यू, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां पर, ठीक। मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताता हूं, 88 जो है उसका वैल्यू होता है 8 × 11, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना होगा, 5y और 8, लास्ट के डिजिट यदि आप देखेंगे तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए आखिरी के तीन डिजिट, तो जैसे ही मैंने देखा यहां ऑड है तो ये ऑड का एग्जांपल है। आप लोग जानते हैं 48 पूरी तरह से कटता है, तो 48 से पहले जाइए, 44 या 34 या 24 पूरी तरह से कटता है, तो 24 का मतलब यहां जब 28 होगा, 28 जब आएगा तो यहां पर रिमाइंडर 4 बचेगा, मतलब 2y को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अगर 2y को सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 के बाद फिर आपका 40 जोड़ने पर 68 भी सेटिस्फाई करेगा, यानी y के दो मान संभव है, एक तो है 2 दूसरा है 6। अब दूसरी बात हमें क्या देखनी है, हमें देखनी है यहां पर 11 के डिजिटी रूल, तो 11 के डिजिटी रूल के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना होगा, 4 2 x 7 और y, 4 + 2 + x + 7 + y, 4 + 2 6 हो गया, प्लस 7 करोगे तो 13, मतलब 13 प्लस एक्स आ रहा है अल्टरनेट नंबर से, माइनस हम करेंगे दूसरे अल्टरनेट नंबर से, तो यहां पर येलो कलर से मैं लिखना चालू करता हूं, 0 9 8 5 और 8, तो 8 और 8 16 16 और 5 21 21 और 9 30, तो 30 आ रहा है टोटल वैल्यू, 30 सही है, 30। अब इसका जो वैल्यू है या तो 0 होना चाहिए, यानी एक्स जो है वो वैल्यू एक्स का कितना आ सकता है, तो x का वैल्यू यहां पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 17 का, तो 17 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर माइनस का 11 लेना होगा, मतलब इस चीज में 11 और जोड़ना होगा, इस चीज में 11 और जोड़ोगे तो 17 में 11 कम करिए तो 6 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू जो है वो 6 पॉसिबल है, x + y है, यहां पर जो पहला वैल्यू था उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 + x + y, ठीक है। तो ये जो x प्लस वाई है इसका वैल्यू आ रहा है 17, ना कि केवल x का, तो x प्लस वाई जो है ये आपके 17 के बराबर है, 17 के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर चाहे y का वैल्यू 2 लूं चाहे 6 लूं, इससे हमारा वैल्यू नहीं निकलेगा, अगर क्योंकि मैं 2 भी लेता हूं तो x का वैल्यू 15 बन रहा है, अगर मैं 6 लेता हूं तो x का वैल्यू 11 बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसे 11 से कम करना होगा। ये जो वैल्यू यहां पर आया 17, इस 17 को मैं क्या करूंगा, 11 से कम करूंगा, 11 से कम करने पर इसका वैल्यू बन जाएगा 6। तो इस तरीके से हमें गुणाभाग करना है कि वैल्यू जो है वो 11 के मल्टीपल में चले, तो 17 से नहीं हो रहा था तो 17 में मैंने क्या किया, 11 से कम किया, 11 से कम किया तो 6 बना। इसमें आप देखेंगे तो एक वैल्यू जो पॉसिबल आ रहा है वो ये आ रहा है कि y का वैल्यू 2 हुआ, यहां से 2 है तो x का वैल्यू 4 होगा,
दूसरा वैल्यू हो सकता था कि अगर y का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू 0 होगा, लेकिन हमें दिया है फॉर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, हिंदी में शायद टाइपिंग एरर है, वो मिस हो गया होगा। x का महत्तम वैल्यू जो पॉसिबल है वो है 4, तो अगर हम 4 और y का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा 24 माइनस 18, क्योंकि 6x माइनस 9y निकालना था, जो कि हो जाएगा 6। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे दिया हुआ है 75 से आपको डिसेबिलिटी रूल चेक करनी है इस नंबर का, और आपको फाइंड करना है 6x माइनस 5y। तो थोड़ा सा यहां पे टाइपिंग एरर है इंग्लिश में, इसको करेक्ट कर लेना, ये 7x माइनस 8y नहीं है, आपको जो फाइंड करना है वो है 6x माइनस 5y। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, हिंदी में सवाल सही दिया है, इंग्लिश में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो देखिए 75 यानी 75 देखते साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि होता है 3 और 25। ठीक, तो ये जो नंबर इतना बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, ये आपके 3 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए। 25 से कटने का मतलब आखिरी के दो नंबर 25 से कटने चाहिए, तो 2 के साथ क्या आएगा, तो वाई के जगह पर यहां पर जो वैल्यू आ सकता है वो है केवल 5। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए, तो अगर नंबर 3 से भी कटना चाहिए तो इसका मतलब आप समझिए कि अगर मैं यहां पर 5 लिख ले रहा हूं, तो सम ऑफ द नंबर्स, 3 की डिविजिबिलिटी रूल याद करिए कि जो अंक है इन सभी अंकों का योगफल जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या क्या नंबर है, 2, 2, 2, इन तीनों को जोड़ने पर 6 बन गया, ये तो 3 से कट जाएगा, ये 6 भी 3 से कट जाएगा, बचा क्या 1 और 5, 1 प्लस 5 भी 6 होता है, मतलब कुल मिला के जो बचा योगफल निकालने में वो बचा एक्स। अब x को 3 से कटने के लिए क्या क्या संभव मान हो सकते हैं, एक तो 0 हो सकता है, 0 रख सकते हैं, या फिर आप यहां 3 रख सकते हैं, या फिर 6 रख सकते हैं, या तो 9 रख सकते हैं, ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है x के लिए। अब हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था 6x माइनस ऑफ 5y का वैल्यू। यदि मैं x का वैल्यू 0 लिखूंगा, x का वैल्यू 0 लिखूंगा तो यहां 0 आएगा, माइनस 5 का, y का वैल्यू 5 है तो माइनस का 25 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर मैं x का वैल्यू 3 डालता हूं तो ये 18 आएगा, 18 माइनस 25 जो कि है माइनस 7, तो x का वैल्यू 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां माइनस 7 नहीं है। तो अगर मैं 6 डालूं x का वैल्यू तो आएगा 36 माइनस 25 जो कि आ रहा है 11, अगेन यहां 11 भी पॉसिबल नहीं है। तो आखिर वाला ही होना चाहिए उत्तर कि अगर मैं x का वैल्यू 9 डालूं इसमें 6x1 में तो आ जाएगा 54, y का वैल्यू 5 है तो 5 को इसमें डालेंगे, 25 से माइनस करोगे तो यहां पर 29 वैल्यू आ रहा है, और d जो है सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल के लिए भी रेडी रहिए एग्जाम में। तो मैंने ऐसे आपके दूसरा सवाल है जो मैंने इस तरीके का लिया है जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ऑप्शन में वही सेटिस्फाई करेगा जो यहां पर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई होता है, वही हमारा उत्तर आपको लेना होता है। x का वैल्यू यहां पे क्या लेना है तो 9, और y का वैल्यू क्या लेना है 5। ठीक, क्योंकि 75 से काटने का मतलब है 3 से भी कटे और 25 से भी कटे, 3 से 25 से काटने के लिए x का वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकता है और y का वैल्यू केवल और केवल 5 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, ये 72 से डिसेबिलिटी होनी चाहिए इस नंबर की, तो आपको 7x माइनस 11y का वैल्यू बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसको सॉल्व करके। अगला सवाल आते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, अगर कोई नंबर 417 एक्स वाई जेड के फॉर्म में है और संख्या जो है 7, 11, 13 सभी से विभाज्य है, तो हमें x प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू क्या है, इसके बराबर क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो देखिए इस तरह के वैल्यू को सबसे पहली बात आप यह समझिए कि जो 7, 11 और 13 इसका डिविजिबिलिटी जो है यह बहुत ही बेहतरीन एक नंबर निकलता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने। तो मैं पहले 7, 11, 13 का आपको डिसेबिलिटी रूल बता देता हूं, फिर हम वापस आएंगे इस सवाल में। ठीक, देखिए सबसे पहली बात आप यह समझिए कि जब हम 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 11 × 13, इसको जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो निकल के आता है वो आता है 1001। ठीक, इस 1001 में आप कोई भी 3-डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करिए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 723 को मल्टीप्लाई करता हूं 1001 में, तो बताइए आपकी इसका वैल्यू क्या आएगा।
एक से काटोगे तो 723 आएगा, फिर एक क्रॉस लगेगा, जीरो है तो फिर एक और बार क्रॉस लग जाएगा, जीरो है फिर एक और बार क्रॉस लग जाएगा, तो फिर से इस एक से मल्टीप्लाई करने जाओगे 723 आएगा, जोड़ने पर 723 आता है। ठीक, यानी कि आप ये बात समझिए कि कोई भी थ्री डिजिट नंबर यानी तीन अंकों वाली संख्या ए बी सी, जैसे ही आप 1001 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या बन जाती है ए बी सी, ए बी सी के फॉर्म में। कोई भी तीन अंकों वाली संख्या जो कि 7, 11 और 13 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या ए बी सी, ए बी सी के फॉर्म में बन जाती है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 7 का, 11 का और 13 का, तो मैं यहां पर स्क्रीन पर कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं और फिर हम इसके डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं, एक दो वैल्यूज मैं यहां पर अभी लिखूंगा स्क्रीन के ऊपर और फिर हम देखेंगे कि ये सारी संख्या जो है वो किससे किससे कटने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक वैल्यू लिखता हूं 68, ठीक है, 49164, इसका वैल्यू हम चेक करेंगे। एक और वैल्यू मैं लिख लेता हूं 878 878416, एक और तीसरा वैल्यू भी मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, 125 5566। तो मैंने यहां पर तीन वैल्यूज लिखे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये तीनों वैल्यूज जो है वो कौन सा वैल्यू इसमें से 7 से कटेगा, कौन सा 13 से कटेगा, कौन सा 11 से कटेगा। तो देखिए इस तरीके के वैल्यूज में करने क्या होते हैं वो समझिए। आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको तीन तीन के पैर बनाने होंगे, यहां से 164, यहां से 849 और ये 6। ठीक, अब ये पहले वाले और आखिरी वाले को पहले आप जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 170 बन जाएगा, और इससे आपको डिफरेंस लेना है दूसरे वाले से, तो माइनस करने पर यहां कितना आ रहा है 9, 84 में से 17 माइनस करोगे तो पहले तो इसको 7 बना देते, 14 में से 7 गया तो बचा 7, 7 में से इतना बचा तो 679। अब ये 679 आप देखिए किससे कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है, 7 से कटने जाओगे 63 फिर 49, मतलब 7 से ये पूरी तरह से कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है, 11 से काटने के लिए आपको देखना होगा 6 और 9 66 और 19, ये 11 से नहीं कट रहा है। क्या ये 13 से कट रहा है, 65 जाएगा 65, 65 के बाद आपका 29 आ रहा है, तो 13 से भी नहीं कट रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन नंबर्स है इसमें से जैसे आपने तीन तीन का पेयर बनाया, ऑल्टरनेट वाले को जोड़ा और फिर आपने घटाया इसको, जैसे 11 का विभाज्यता का नियम था तो एक नंबर आया, ये नंबर अगर 7 से कट रहा है तो पूरा नंबर 7 से कटेगा, अगर 11 और 13 से नहीं कट रहा है तो पूरा नंबर भी 11 13 से नहीं कटेगा। सेम चीज यहां पे देखिए, तीन तीन का पेयर बना लेते हैं तो यहां पर 6 नंबर थी तो 6 नंबर ज्यादा आसान होता है। आपको क्या करना होगा, 878 और 416, इसका आपको डिफरेंस लेना होगा, यहां से 2 बच रहा है, यहां पे 6 बच रहा है और यहां पे फिर से 2 बच रहा है, तो 262 देखते साथ आपको यह समझना है क्या यह 7 से कटने वाला है क्या, या 11 से कटने वाला है कि, सॉरी यहां पर 4 आएगा ना, 462 होगा, यह आपका 462 बनेगा कि 13 से कटेगा। 7 से अगर काटे जाओगे तो 42, 42 और 42, 7 से कट रहा है वैल्यू। क्या ये 11 से कट रहा है तो यहां पर 44 और 2, 11 से भी कट रहा है। क्या ये 13 से कट रहा है, 13 से काटने जाओगे 39, 39 के बाद आपका 72, तो 13 से नहीं कट रहा है। मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये वैल्यू भी 7 और 11 दोनों से कटेंगे लेकिन 13 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही, कैसे हमें 7 11 13 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। इस वाले में भी यही काम करना होगा, आपको तीन तीन का पेयर बनाना होगा, ये वाला तीन और यहां पर एक बच गया, तो इस एक को इसमें जोड़ लेते हैं, इस एक को इसमें जोड़ोगे तो 567 बनेगा। ठीक, और बीच वाले वैल्यू को 255 को इसमें से घटा लेते हैं, तो जैसे ही आप घटाओगे माइनस का यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, तो 312 जैसे ही देखा आपने तो आपको ये चेक करना है क्या 312 7 से कट रहा है, 28 बार कटेगा फिर 32, 7 से नहीं कट रहा। क्या ये 11 से कट रहा है, 3 और 2 5 माइनस 1 4, नहीं कट रहा है। क्या ये 13 से कट रहा है, 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26, फिर आपका 52 आ रहा है, 52, यानी 13 से कट रहा है वैल्यू। तो ये जो नंबर है ये 7 से 11 से तो नहीं कटेगा लेकिन 13 से डेफिनेटली कट जाएगा। तो इसी प्रकार हमें 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। क्लियर, समझ में आ गया किस तरीके से हमें इस तरीके के वैल्यूज को हमको हैंडल करना है 7 11 13 को। तो चलिए आइए वापस चलते हैं उस सवाल में, और उस सवाल में देखते हैं कि क्या वैल्यूज दिए थे
और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये नंबर जो है 7, 11, 13 तीनों से कटने वाले, एग्जैक्टली कटने वाले, मतलब 1001 में आपने 417 को मल्टीप्लाई किया होगा तो वैल्यू कहीं ना कहीं 417 आया होगा। यानी x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू 1, और z का वैल्यू क्या है, तो z का वैल्यू 7 है। आपसे पूछ रहा था x प्लस y बटा z, तो x प्लस y मतलब 4 प्लस 1 करोगे तो 5 आएगा, डिवाइडेड बाय z यानी 7 आएगा, तो 5/7 जो है इस सवाल का सही उत्तर है, बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगला सवाल है कि यहां पर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7777 92 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय 37। 7777 जब 92 बार लिखा जाता है और इसको 37 से विभाजित करने पर शेष क्या बचता है, यह हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा मैं थ्योरम बता देता हूं कि 37 में होता क्या है। देखिए 37 से जब हम डिवाइड करने जाते हैं, 37 मल्टीप्लाइड बाय 3, 37 गुणे 3 करने पर 111 आता है, 111। यानी कि आप समझिए कि कोई भी नंबर है, जैसे कि अगर मैं 111 में कोई भी नंबर, जैसे कि मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 8 × 8 × 8 है, तो ये नंबर जो है वो कहीं ना कहीं 111 से कटता है। अगर 111 से ही कटता है तो ये 37 से भी स्वाभाविक है कटेगा, ठीक। तो अगर कोई भी नंबर जो 3 बार रिपीट करके लिख दिया जाए, वो नंबर जो है वो 37 से कटता ही है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से नंबर लिखूं, 5 5 5, ठीक है, और आगे फिर से कर लूं 5 5 और 5, और फिर से एक बार कर लूं 5 5 और 5, तो मैंने क्या किया, 3 बार 5 लिखा, तो ये नंबर जो है ये नंबर 111 से कटेगा, और 111 से कटेगा तो ये 37 से भी कटेगा। अगर मैं इसके आगे 2 5 और जोड़ देता इस तरीके से, तो ये ऑड वाला हो गया तो ये नहीं कटेगा। यानी 111 से काटने पर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमाइंडर बचा 55। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 37 से इसको काटने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर यहां से नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 37 से कट जाएगा, ये भी 37 से कट जाएगा, ये भी 37 से कट जाएगा, क्योंकि 37 × 3 111 होता है। शेषफल आपका बचेगा तो यहां वाले पार्ट से बचेगा, यानी 55 को 37 से काटने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका शेषफल है। तो अब इस सवाल को थोड़ा समझिए, यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पर 7 को 92 बार लिखा, तो 7 7 7 7 करके जब ये 90 बार हुआ होगा, 90 टाइम्स, तो ये 3 का मल्टीपल है, कहीं ना कहीं कट गया होगा, तो एक्स्ट्रा जो 77 बचा इसके बाद दो, क्योंकि 92 बार है ना, तो 90 बार तक, 90 टाइम्स तक ये जो है 37 पूरी तरह से कट जाएगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो यहां से बचेगा। तो 77 को जब 37 से काटोगे, आप जानते हो 2 बार जाएगा 74 से, रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा, तो आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसी प्रकार 13 की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं कि 13 में क्या होता है। तो 13 देखते साथ आपको याद आना चाहिए 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, जो हमने अभी अभी देखा था, ठीक। तो 7 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 7 11 13 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 101। इसमें यदि हम कोई ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई करें जो कि एबीसी के फॉर्म में है, तो वैल्यू आ जाता है एबीसी, वैल्यू क्या आ जाता है एबीसी। अब सपोज करिए कोई ऐसा भी तो नंबर हो सकता है जो कि इस फॉर्मेट में हो, ए ए ए के फॉर्मेट में हो, कोई ऐसा नंबर हम ले लेते हैं जो कि इस फॉर्मेट में है, ए ए ए, मतलब 3 बार रिपीट करके हमने इस नंबर को लिखा और 1001 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, ए ए ए ए ए ए। तो जब भी किसी संख्या को हम 6 टाइम्स रिपीट करके लिख लेते हैं, नोट करिएगा, जब भी किसी नंबर को हम 6 टाइम्स रिपीट करके लिख लेते हैं तो वो नंबर 7 से भी पूरी तरह से कटता है, वो नंबर 11 से भी पूरी तरह से कटता है, वो नंबर 13 से भी पूरी तरह से कटता है। यानी 6 बार रिपीट करके आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, वो 7 11 और 13 से उसे कटना अनिवार्य ही है, ठीक। तो उस सवाल में वापस जब चलेंगे तो आप देखेंगे यहां पर क्या चल रहा है, आपने इस 7 नंबर को 115 बार लिखा, 115 बार। तो जब आप 7 7 7 इस तरीके से लिखना चालू किए और 114 बार जब यह हुआ, ठीक है, 114 टाइम्स जब यह हुआ, तो यह पूरी तरह से 6 का मल्टीपल था, 19 बार आपने 6 बार इसको लिखा, ठीक।
तो एक जो सात था वो एक्स्ट्रा बच गया 115 बार करने के लिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 13 का यहां से नहीं बचेगा, वो इस सात से बचेगा। तो रिमाइंडर क्या हुआ, सात को 13 से विभाजित करोगे तो शेषफल तो सात ही बचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। अब अगला सवाल है, एक सिक्स डिजिट नंबर है जो कि तीन डिजिट को रिपीट करके फॉर्म किया गया, जैसे 658 658, तो रिजल्टेंट नंबर किससे डिविजिबल होगा, क्या केवल सात से डिविजिबल होगा, क्या केवल 11 से, क्या केवल 13 से? नहीं, ये नंबर तीनों से डिविजिबल होता है, और तीनों से डिविजिबल होने का मतलब 1001 से डिविजिबल होता है। एक और सवाल हो गया इसी पैटर्न का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आजकल आपके एग्जाम में चल रहा है और देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां दिया हुआ है एक नंबर है, फाइव डिजिट नंबर, जो कि 674AB के फॉर्म में है, और ये 37 और 11 से पूरी तरह से कटेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है निकालना है। पांच अंकीय संख्या है जो कि पूरी तरह से कटने वाला है 3, 7 और 11 से, तो नंबर जो है वो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसमें आप देखेंगे तो ये जो नंबर है इसमें आपने 7 भी कहा और 11 भी कहा, मतलब 77 से नंबर कटना चाहिए। 7 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो 77 से ये नंबर कटना चाहिए। और 7 11 13 तीनों के डिजिटी में क्या होता है कि हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। अब जैसे ही मैंने 3-3 का पेयर बनाया तो 4AB और माइनस में 67 करने के बाद यहां जो डिफरेंस में वैल्यू आया होगा ये ना केवल 7 से बल्कि 11 से भी कटने वाला है। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां जो वैल्यू आएगा वो पूरी तरह से 77 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं। 7 11 13 के डिजिटी रूल में 3-3 का हम पेयर बनाते हैं और डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेने के बाद जो वैल्यू आता है वो 7 से भी 11 से भी 13 से भी कटना चाहिए। तो अगर 7 और 11 दोनों से कट रहा है मतलब कहीं ना कहीं 77 से कटेगा ये वैल्यू। 77 से कटना है मतलब समझिए कि ये 400 वाला कोई नंबर है जिसमें से 67 माइनस करने पर ये वैल्यू आया, मतलब कहीं ना कहीं यहां वाला जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है। 77 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 35 आता है, और 35 × 7 करने पर, सॉरी 7 5 35 यानी 385 होता है। तो अगर मैं यहां पर 385 लिखूं, यानी इसका डिफरेंस जो है वो 385 अगर होता, क्यों मैं 385 ले रहा हूं, क्योंकि 400 में 67 माइनस करने पर ये वैल्यू है। तो मैं अंदाजे ये वैल्यू देख रहा हूं कि 77 में यानी 77 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 400 में 67 माइनस करने पर वहां एक वैल्यू निकल गया है। तो मैंने देखा 77 का मल्टीपल है 385, तो जो 4AB रहा होगा वो 4AB क्या होगा, इस 67 को इसमें जोड़ने पर वो वैल्यू बनेगा। तो इसको दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे 12 एक कैरी हो गया 15 और यहां पे 4 आ गया 452, ठीक। मतलब जो नंबर है वो कहीं ना कहीं यही होगा 67452। अब बस आप एक बार ये देख लीजिए कि ये नंबर 3 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6 तो कट जाएगा, 2 और 7 जो है 9 बन गया, ये भी कट गया, 45 जो है ये भी 9 है ये भी कट गया 3 से। तो ये नंबर जो है पूरी तरह से 3 से भी कट रहा है, और 77 से तो कटना ही है क्योंकि हमने 7 11 13 के डिविजिबिलिटी रूल से ही 52 निकाला था। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि A का जो वैल्यू है, A का वैल्यू है 5 और जो B है, B का वैल्यू है 2। अब आपसे जो सवाल पूछ रहा था वो आप निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25, बी का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 10, तो 29 माइनस 10 करोगे 19 आ जाए। क्लियर, यही इस सवाल का सही उत्तर है 19। अब एक सवाल और है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसी प्रकार का सवाल मैंने यहां पे लिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट डिजिट में, यानी इकाई का अंक निकालने पर जो सवाल बनते हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर मैं दो चीजें कवर करूंगा, एक तो डिविजिबिलिटी रूल और दूसरा इकाई का अंक, ठीक। सबसे पहली बात आपको यही समझना है कि इकाई के अंक में, अगर सपोज करिए कि मेरे को 21 मल्टीप्लाइड बाय 35 निकालना है, तो यहां पर 5 इंटू इतना करोगे तो 105 आएगा, 63 फिर जोड़ोगे तो यहां पर 5 3 और 7 आ रहा है। तो यहां पर आपको एक ही चीज जो सबसे पहली बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो यहां पर यूनिट डिजिट में इस 2 और 3 का कोई रोल नहीं होता। केवल आपको देखना है कि यहां 1 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। तो आगे क्या चल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना है इकाई के अंक में क्या है, उसी से आपका आंसर बनता है, ठीक। तो ये पहला रूल है यूनिट डिजिट में, चाहे वो प्लस हो रहा हो, चाहे माइनस हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो,
हम क्या देखेंगे तो केवल इकाई का अंक देखेंगे। चलिए इसके बाद हम समझेंगे साइक्लिसिटी ऑफ पावर ऑफ वन, यानी एक के घात की साइक्लिसिटी क्या है ये समझते हैं। एक के घात की जो साइक्लिसिटी वो वन होती है, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर एक के घात एक था, एक के घात दो किया तो भी यहां पर एक आया, ठीक है। एक के घात तीन करोगे तो भी यहां पर एक आएगा, एक के घात चार करोगे तो भी यहां पर एक आएगा, एक के घात पांच करोगे तो भी यहां पर एक ही आ रहा है। मतलब कि जैसे हम साइक्लिसिटी का मतलब यह है कि इसके पावर में कितना हम बढ़ाएं कि हमारा यूनिट डिजिट फिर से निकल के वही सेम आना चाहिए। तो आप एक बढ़ाते जा रहे हो तो भी आपका सेम ही आ रहा है, तो एक का साइक्लिसिटी वन होता है। तो साइक्लिसिटी वन वाले चार नंबर हैं, एक होता है वन, दूसरा जीरो, फाइव और सिक्स। ये चार नंबर है वन, जीरो, फाइव, सिक्स, जिसकी साइक्लिसिटी वन होती है, ठीक। जैसे कि पांच को देखिए, पांच एक के घात एक है तो पांच आया, पांच के घात दो किया यानी इसमें एक और बार पांच मल्टीप्लाई किया, फिर से फाइव, पांच क्यूब 125, पांच की पावर चार 625, पांच की पावर पांच, फिर से यहां पर पांच ही आ रहा है। मतलब कि पांच के घात में भी जब हम एक एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसका जो है यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है, यानी इसकी साइक्लिसिटी भी क्या है, तो पावर और साइक्लिसिटी ऑफ फाइव भी वन ही है, ठीक। इसी प्रकार आप देखेंगे छह में होता है, छह के घात एक करने पर छह आए, छह के घात दो पे 36, तीन पर 216 और चार पर 1296। मतलब जैसे जैसे हम पावर को एक से बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पावर को वन से हम बढ़ाते जा रहे हैं, यहां पर प्लस वन किया फिर प्लस वन किया तो रिपीट हो रहा है, यानी यूनिट डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। तो आप ऐसे याद रखिए कि 6 गुना 6 जो है 36 होता है, यहां पर 6 आया, और एक बार जो रिपीट हो गया, जैसे एक बार रिपीट हो गया तो सीक्वेंस वहीं से फिर रिपीट होना चालू होता है। मतलब 6 × 6 एक बार 6 आ गया तो अब हर बार 6 ही रहेगा, जितने बार भी आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। और जीरो में भी यही होता है, 10 के घात एक करोगे तो भी जीरो, 10 के घात दो करोगे तो भी जीरो। तो 10 में कितने भी बार आप 10 को मल्टीप्लाई कर ले, जीरो तो आखिर में आना ही है, ठीक। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी ऑफ पावर जो है वो एक है। इसका मतलब क्या है, मींस द यूनिट डिजिट रिपीट्स आफ्टर एवरी प्लस वन इंक्रीज इन पावर। इसका मतलब यह है कि संख्या के इकाई अंक में हर प्लस वन घात को बढ़ाने पर दोहराता है, ठीक। यह है इसका मतलब 0, 1, 5, 6 का। अब हम कुछ ऐसे नंबर देखते हैं जिसकी साइक्लिसिटी 2 है, फॉर एग्जाम्पल 4 और 9। तो सबसे पहले 4 के घात 1 था तो 4 आया, 4 के घात 2 किया तो 16 आया, 6। इसके बाद फिर से 4 के घात 3 करोगे यानी एक और बार 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। अब जैसे ही रिपीट हो गया, 4 से स्टार्ट किए थे, एक बार 4 आ गया तो अब ये रिपीट होगा साइकिल, यानी 4, 6, 4, 6, 4, 6 इस तरीके से। तो 2 के साइक्लिसिटी में दो नंबर आते हैं 4, 6, 4, 6। किसका, जब 4 की पावर हम यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक था, एक से हमने क्या किया, दो वैल्यू बढ़ाया तो रिपीट हुआ, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 कहलाएगी। फिर से एक बार 4 की पावर 4 किया तो 56 आ गया, तो 4, 6, 4, 6 इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। फिर से 4 आया तो 6 आएगा अगली बार। इसी प्रकार 9 की साइक्लिसिटी भी क्या है, तो 2 है, क्योंकि 9 के पावर 1 तो 9 होता है, 9 के पावर 2 में जाओगे तो 1 आ गया, एक बार 1 आ गया, फिर क्यूब करने पर फिर से 9 बन गया। मतलब 9 से 9 आने में आपने पावर को क्या किया, तो प्लस का 2 किया, 2 से पावर को बढ़ाया, 2 था यहां पे, 9 स्क्वायर को 2 से पावर बढ़ाने पर 4 आया, और आप देख रहे हैं यहां पे 1 है, फिर से 1 है, तो 9, 1, 9, 1, 9, 1 इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो क्योंकि प्लस 2 पावर को बढ़ाने पर यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसकी साइक्लिसिटी को 2 कहेंगे। और जैसे साइक्लिसिटी 2 है तो यूनिट डिजिट में भी आपके दो नंबर दिखेंगे, 9, 1, 9, 1। तो जिसका साइक्लिसिटी 1 होता है उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई नंबर पे एक ही नंबर दिखता है, जिसका साइक्लिसिटी 2 होता है उसके इकाई अंक पे दो संख्याएं दिखती है, ठीक। तो इसका एक शॉर्ट वैल्यू आप निकाल के रख सकते हैं, उसके पहले इस नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि साइक्लिसिटी ऑफ पावर 4 और 9 का 2 है। कहने का मतलब ये, यूनिट डिजिट रिपीट्स आफ्टर एवरी प्लस 2 इंक्रीज इन द पावर। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी जो है वो पावर जो है घात की साइक्लिसिटी वो 2 है, जिसका मतलब यह है कि इकाई अंक जो है हर प्लस 2 घात को बढ़ाने पर दोहराता है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है कि 4 की घात अगर विषम संख्या है तो 4 आएगा, 4 की घात यदि सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 9 के घात विषम संख्या तो इकाई अंक 9 आएगा, 9 के घात अगर सम संख्या आ गया तो इकाई का अंक एक आएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो हमने अभी तक 6 अंकों की बात कर ली, एक हो गया 0, 1, 5, 6,
इसका साइक्लिसिटी ऑफ पावर 1 होता है। फिर हमने देखा ऐसे दो नंबर 4 और 9 जिसका साइक्लिसिटी ऑफ पावर 2 होता है। बच क्या क्या गया, तो बच गया 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8, इन चारों नंबर का साइक्लिसिटी ऑफ पावर जो है वो होता है 4, 4 का। ठीक, तो आइए समझते हैं क्यों। साइक्लिसिटी ऑफ पावर ऑफ 2 देखेंगे तो 2 के पावर 1 करने पर 2 आया, 2 करने पर 4 आया, 3 करने पर यहां पर फिर 8 आ गया और 4 करने पर आ गया 16। 2, 4, 8, 6 हुआ, यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो 2, 4, 8, 6। इसमें एक और बार जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 2 आ गया। अब जैसे ही एक बार यहां 2 से स्टार्ट करके आप एक बार और 2 में आ गए, अब जो है ये रिपीट होता जाएगा। मतलब पावर में क्या था, तो 1 से आपने प्लस का 4 किया, क्योंकि प्लस का 4 किया जा रहा है तो इसलिए साइक्लिसिटी ऑफ पावर ऑफ 2 जो है वो 4 का है। और जैसे ही 4 होता है किसी का साइक्लिसिटी, तो यूनिट डिजिट में आपको 4 नंबर अलग अलग दिखने को मिल सकते हैं, 2, 4, 6 और 8। ठीक, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं 2, 4, 6, 8 जो है ये इसका साइक्लिसिटी है। फिर से देखो 4 आ गया, यहां पे 4 था, यहां पे प्लस 4 करोगे पावर 2 से प्लस 4 यानी 6, तो यहां पे फिर से 4 आया। ठीक, फिर से देखोगे तो यहां पर 8 था, 8 के बाद एक बार और यहां पर आप सॉरी 3 था, 3 से 7 में आया जो कि पावर 4 से बढ़ा, तो यहां से 8 से 8 आया। फिर यहां 4 था तो 4 से फिर 8 में आया, पावर 4 से बढ़ा, तो यहां जब 6 आ रहा था यूनिट डिजिट, यहां पे भी 6 आ रहा है। क्लियर, ये है आपका 2। इसी तरह आपका 3 होगा। ठीक, 3 में आप देखेंगे 3 के पावर 1 3 है, 3 के पावर 2 है 9, 3 के पावर 3 यहां 27 है, 3 के पावर 4 आपका 1 आ गया। जैसे ही 1 आया 3 के पावर 5 में फिर 3 आ जाएगा। तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 3, 9, 7 और 1। इसके बाद फिर से 3 आ गया, मतलब यहां पावर 1 से जब पावर 5 हुआ यानी प्लस 4 हुआ तो इसका नंबर रिपीट कर गया, तो फिर से ये रिपीट होना चालू होगा। यहां पे आपने देखा 2 था, 2 से हमने पावर बढ़ाया 4 से तो 6 हुआ, तो यूनिट डिजिट 9 था, यहां पे भी 9 आ रहा है। तो ये चीज हमको सीखना है और नोट डाउन करना है। तो 2 हो गया, 3 हो गया जिसकी साइक्लिसिटी ऑफ पावर 4 है। आते हैं 7 पर, 7 पे देखोगे तो 7 के पावर 1 7 था, पावर 2 हुआ तो 4 9 आया, पावर 3 हुआ तो यहां 3 आया, पावर 4 हुआ तो फिर 1 आया। अब 1 आने के बाद जैसे ही 5 होगा तो फिर से 7 आ जाएगा, मतलब कि यहां 7 से स्टार्ट करने के बाद फिर यहां पे एक बार 7 आया। तो कहने का मतलब यह है कि पावर में जब हम प्लस 4 करते हैं, पावर में जब हम प्लस 4 करते हैं तभी आपका जो है यूनिट डिजिट रिपीट होता है। तो 7 से यहां पर 7। ठीक, तो जैसे ही 7, 9, 3, 1 आपको दिखा, इसके बाद फिर से 7 आ गया, मतलब अब साइकिल रिपीट होगा। पावर 6 में आप देख पा रहे हैं यहां पर 9 था, तो 4 नंबर के बाद फिर से 9 आ गया, मतलब कि 2 से आप कहां बढ़े, प्लस 4 करके 6 पर गए यानी 4 से बढ़ाए, तो फिर से रिपीट हुआ। तो 3 नंबर हम देख चुके हैं, 2, 3, 7 और अब 8 की बारी है। 8 का भी साइक्लिसिटी ऑफ पावर 4 है, 8 के पावर 1 8, 8 के पावर 2 64, 8 के पावर 3 512, 8 के पावर 4 4096। तो आप देख रहे हैं 8, 4, 2, 6 हुआ। जैसे ही मैं 8 के पावर 5 करूंगा तो फिर से यहां पे 8 आएगा। तो देखिए 8 से स्टार्ट हुआ था, यहां फिर से 8 आ गया, मतलब 1 था पावर में, यहां पे हमने 4 से बढ़ाया। ठीक, फिर से आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड वाले वैल्यू में क्या था, यहां पर सेकेंड वाले वैल्यू में यहां 4 था और 4 नंबर के बाद फिर से यहां पे, मतलब 2 पावर से आप 2 4 से बढ़ाए तो 6 हुआ, तो फिर से रिपीटेड हो गया। तो 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6 इस तरीके से ये रिपीट होता चला जाएगा, पावर ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ 8। तो इसमें भी क्या है, तो 4 इसकी साइक्लिसिटी ऑफ पावर है फॉर 8। तो जो बातें मैंने कही वो यहां पर टेबल में आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ये नोट करने वाली बात है कि साइक्लिसिटी ऑफ पावर ऑफ 2, 3, 7, 8 है तो वो 4 होता है। इसका मतलब ये मींस आफ्टर यूनिट डिजिट्स रिपीट्स आफ्टर एवरी प्लस 4 इंक्रीज इन द पावर। तो 2, 3, 7, 8 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, जिसका मतलब यह है कि संख्या का इकाई अंक जो है हर प्लस 4 घात को बढ़ाने पर दोहराता है। आप खुद देख सकते हैं यहां पर। अब इसको याद रखना जरूरी है कि जब मैं ए को 2 ले रहा हूं, ए को 3 ले रहा हूं, ए को 7 या ए को 8 ले रहा हूं, तो ए के घात जब ए होगा यानी 2 के घात 1 होगा तो यूनिट डिजिट 2 होगा। फिर 2 हुआ तो 4 आएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्यूब बना 8 आएगा, 8 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, तो यहां पर 6। इस तरीके से आप इसको याद रखिए। 3 के घात जब 1 है तो 3 आएगा,
इसमें फिर से तीन मल्टीप्लाई करोगे तो तीन का स्क्वायर होता है जो कि नौ हुआ। नौ में तीन को मल्टीप्लाई करने पर 27 होता है तो यहां सात लिखोगे। सात में तीन को मल्टीप्लाई करने पर 21 होता है तो यहां पर यूनिट डिजिट एक लिखना है हमें, ठीक। केवल और केवल इकाई के अंक की हम यहां पर बातचीत करेंगे। सात एकम, सात के पावर एक सात होता है, सात के पावर दो करोगे 49, यानी 49 का केवल नौ लिखना है। इसी तरीके से आपको याद भी रहेगा 9 × 7 क्या होता है 63, 9 × 7 करोगे 63 होता है, तो यहां पे आपको 63 का 3 यानी 63 का 3 लिखना है। 3 में फिर से 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, तो पावर जब 4 होता है तो यहां 1 होता है। इसी प्रकार 8 का 8 4 2 और 6 आएगा, ठीक। इस तरीके से आप इस टेबल को नोट करके रखिए। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, आपको बड़े बड़े वैल्यूज यहाँ पे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप छोटे वैल्यूज को ही याद करिए कि 8 के पावर 1 होने पर 8 होता है, इसमें 8 × 8 करने पर 64 होता है तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। 64 × 8 करोगे तो तीन बार हो गया यानी 32, तो यहाँ 32 आएगा, और 32 में 2 दिखा रहा है तो 2 में फिर से 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 16, तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखते रहिए और इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर इसको लिख लिए हैं अपने नोटबुक पर, अब हम आते हैं कुछ सवाल देखेंगे और सवाल के जरिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा जब 51, 52, 53 को 59 तक मल्टीप्लाई किया जाए। सबसे पहली बात, यहां पर जो 2 है इस 52 में आगे कहीं पर एक 55 मल्टीप्लाई होगा, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट जो बनता है वो हमेशा 0 बनता है। अब 10 आने के बाद इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये 0 नहीं हट सकता, तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक ए होगा, क्लियर। इतना ही आसान होता है इकाई अंक निकालना, बहुत आसान काम है और स्कोरिंग है। ये वाला क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में छोड़ना मत, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, यहां पे आपको निकालना है यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी है जिसका आपको प्रोडक्ट निकालना है और यूनिट डिजिट बताना है, तो बहुत आसान सी बात है एक्चुअल में। अगर देखोगे तो आपको इन सभी नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये सारी आपको कंफ्यूज करने को दिया हुआ है। केवल आपको देखना क्या है, आपकी नजर जानी चाहिए केवल आखिरी आखिरी नंबर पे। 3 × 8 करोगे तो 24 होता है, 24, तो मैं इसके जगह पे 4 लिख सकता हूं। 6 × 8 4 भी तो 24 होता है, मतलब यहां पर भी मैं 4 लिख सकता हूं, और आगे एक 7 बचा हुआ। 4 × 4 16 होता है, 16, तो यहां पर 6 आएगा। 6 × 7 करोगे तो 42 होता है, यानी 42, 42 का यानी 2 बचेगा, तो 2 जो है सवाल का उत्तर। बस इतना ही करना है हमें यूनिट डिजिट के वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, 712 × 700 26 × 730 और n है, इसका इकाई का अंक n-2 है, तो n का मान क्या है हमें निकालना है, ठीक। तो हमें इस 71 से, 72 से और इस 73 से कोई भी मतलब नहीं है। आपने देखा ये 2 है और 6 है, तो 2 × 6 यानी क्या होता है 12, तो यानी इन दोनों का जो यूनिट डिजिट कंबाइंड आएगा वो आएगा 2। इसमें जब हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट निकल रहा है वो n-2 निकल रहा है, तो बताइए ऐसा कब हो सकता है। यदि मैं n को 8 लूं तो 2 × 8 16 होता है, यानी यहां पर 16 का मतलब यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 6। क्या ये 6 n-2 है? बिल्कुल है, क्योंकि n को अगर हम 8 ले रहे हैं तो 8 − 2 6 होगा, तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा 8 ही होगा। तो हम हिट एंड ट्रायल से यहां पर ऑप्शन के जरिए वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 लेने पर 1 − 2 करोगे तो नेगेटिव हुआ, नहीं हो सकता। 3 लोगे तो यहां पर 6 आएगा, फिर से 6 लोगे तो यहां पर 12 आएगा, तो लेकिन 12 का मतलब 6 यहां पर लिया तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 6 − 2 करने पर तो 4 होता है, 12 नहीं हो रहा है। तो 2 जो 8 जो है उसको अगर हम n के जगह लेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक आ रहा है वो n-2 यानी कि 8 − 2 के बराबर आ रहा है, तो n का मान क्या होगा तो 8 होगा, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा आपको सीखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। काफी आसान है लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। अगेन एक बार फिर से आप समझिए कि जब इकाई अंक निकालने की बात हो रही है तो उसके सामने जितने वैल्यूज है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां इस 54 का कोई मतलब नहीं है, 24 का कोई मतलब नहीं है, 12 का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, 2 × 314, 7 × 819, 6 × 414 और 8 × 234, यही हमें देखना है और कुछ हमें नहीं देखना है।
तो अब आप याद करने की कोशिश करिए कि दो की साइक्लिसिटी क्या थी, सात की साइक्लिसिटी क्या थी, छह की साइक्लिसिटी क्या थी और आठ की साइक्लिसिटी क्या थी। बात करते हैं छह की, तो छह के पावर में कितना भी कोई भी वैल्यू हो इसका यूनिट डिजिट हमेशा छह आता है, मतलब ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट तो छह आएगा इसके। ये सबसे आसान था तो मैंने सबसे पहले सबसे आसान वाले को लिया। अब यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई, तो इन दोनों मल्टीप्लाई के बीच में छह आएगा। सात के पावर में 819 है, तो सात के पावर में जब 819 है, सात की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है चार की, किसकी होती है चार की। तो आप क्या करेंगे, इस पावर को चार से डिवाइड करेंगे, 819 को चार से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचेगा रिमाइंडर वही आपका पावर में जाएगा, ठीक। तो अब आप यहां से डिविजिबिलिटी को याद करने की कोशिश करिए, मैंने कहा चार से इसको डिवाइड करना, तो चार से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि आखिर के दो नंबर चार से कटने चाहिए। तो आखिर के दो नंबर यहां पे क्या है, 19 है, तो आपको ये वाले 8 से कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना है 19 को कैसे काटना है, तो तीन चार बार कटेगा 16 से, चार बार कटेगा आपका 16 से, तो यहां पर माइनस 3 का रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है यहां पर आपका 7 का के पावर 3 जो है ये आपका रिमाइंडर बचेगा, 7 की पावर 3, ठीक है। इसी प्रकार आपको देखना है, दो दिखा तो दो भी साइक्लिसिटी चार वाला है, 4 टाइम्स है, तो आपको ऊपर वाले नंबर को चार से काटना होगा। चार से काटने का मतलब यह होता है कि आखिरी के दो नंबर चार से कटने चाहिए, तो 314 में तीन का कोई मतलब नहीं, 14 को चार से काटोगे तो दो रिमाइंडर बच रहा है, मतलब दो का स्क्वायर यहां पे आएगा। इसको देखिए, ये 8 है, 8 का भी साइक्लिसिटी चार होता है, 8 का साइक्लिसिटी यदि चार है तो आखिरी के ये जो नंबर है इसमें दो को हटा देते हैं, 34 आ रहा है क्योंकि चार से काटना होगा, तो 34 का मतलब फिर से 8 के पावर 2 ही आएगा रिमाइंडर। अब देखिए, दो स्क्वायर का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट चार, सात के पावर तीन का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट थ्री, क्योंकि 343 होता है ना, सात का क्यूब तो तीन आएगा, यहां पर छह आया और आठ का स्क्वायर मतलब चार, आसान सी बात है। अब ये फोर और थ्री में आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 12 बनता है, यानी यूनिट डिजिट टू आएगा 12 का, 6 4 24 24 यानी 4 का यूनिट डिजिट, 2 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली हमारा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो आएगा 8 का। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। इस तरीके से हमें इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना है। अब देखिए, आजकल एग्जाम में कुछ इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है, x के पावर 7 माइनस x के पावर क्यूब है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, ठीक है। यदि x के घात 7 माइनस x के घात 3 जो है वो आपका 1478 है, तो x के कितने धनात्मक संख्या पॉसिबल है, पूर्ण धनात्मक पूर्णांक मान संभव है। इसका उत्तर एक्चुअली 0 है कि यहां पर x का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है जो ऐसा हो, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे एलजेब्रा से क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा x क्यूब निकालोगे, अंदर बचेगा x के पावर 4 माइनस 1, इस x के पावर 4 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, इसको फिर से x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 करोगे और इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। ये जो सवाल है एक्चुअली देखने में एलजेब्रा का है लेकिन ये है नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट का सवाल, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस तीन में मैंने जो पावर बढ़ाया वो चार से बढ़ाया, ठीक, और चार से बढ़ाने पर पावर सारे जितने भी नंबर्स है उसका यूनिट डिजिट रिपीट होना चाहिए। क्यों, देखिए जब मैं साइक्लिसिटी वन की बात करता हूं तो हर एक नंबर के बाद, हर प्लस वन करने के बाद साइक्लिसिटी जो है वो रिपीट होती है, और जब मैं साइक्लिसिटी टू की बात करता हूं तो दो नंबर रिपीट, दो दो नंबर के बाद इसका जो साइक्लिसिटी है वो रिपीट होता है, ठीक है। जब मैं चार नंबर की साइक्लिसिटी बात करता हूं तो हर चौथे नंबर के बाद इसका साइकिल रिपीट होता है। तो हर चौथे नंबर के बाद का मतलब क्या है कि जब हर एक नंबर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है तो हर चौथे नंबर के बाद साइकिल रिपीट नहीं होगा क्या, हर चौथे नंबर के बाद भी तो साइकिल रिपीट होना चाहिए। अगर हर दूसरे नंबर को बढ़ाने के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है तो चार के बाद तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम x क्यूब से x के पावर 7 बढ़े तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक यहां और यहां सेम होना चाहिए था, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम धनात्मक पूर्णांक मान की बात कर रहे हैं,
और पूर्णांक मान का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 0 से 9 के बीच में होगा। और 0 से 9 के बीच में किसी भी नंबर के पावर को अगर आप 4 से बढ़ाते हैं तो इकाई का अंक सेम आता है। अगर इकाई का अंक दोनों तरफ सेम आया तो यहां पर 8 कैसे आ सकता है, यहां पर 8 आ ही नहीं सकता, यहां पर 0 आना चाहिए था। तो ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है, इसका कोई भी मान ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैं यहां पर उत्तर क्या दूंगा, 0 दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको निकालना है कि 7 के घात 31 फैक्टोरियल है, 4 के घात यहां पे 127 फैक्टोरियल है, तो इसका उत्तर क्या है। ठीक, एक बार आप इसको समझेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इकाई का अंक निकालने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 7 के साइकिल में आप देख रहे हैं 31 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल का मतलब होता है 31 गुणे 30 गुणे 29 गुणे इस तरीके से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है 31 फैक्टोरियल का मतलब, यही होता है। तो 31 फैक्टोरियल में जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 छुपा हुआ है, ये 4 का मल्टीपल है। जब भी कोई नंबर 4 का मल्टीपल होता है तो हमें यहां पर 7 के पावर में लिखना 0 नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 लिखने की गलती मत करना। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 7 के पावर 4 लिखेंगे, यानी यहां से आपका 7 के पावर 4 आएगा। इसमें आप देखिए 127 फैक्टोरियल है, मतलब 4 के घात क्या है, एक इवन नंबर है। 127 देखकर इसे विषम मत समझना, क्योंकि 127 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 127 मल्टीप्लाइड बाय 126 मल्टीप्लाइड बाय, इस तरीके से चलता रहेगा कहां तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, पूरा 1 तक आपका सारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या इसमें गुणा होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी 4 के घात इवन नंबर। ठीक, 4 के घात जब इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट 6 निकलता है, 7 के घात जब 4 होता है तो यूनिट डिजिट 1 आता है। तो 1 इंटू 6 करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। तो एक नई बात यह सीखने को मिली कि जब ऊपर वाला नंबर, जिसका ऐसा कोई नंबर हम ले रहे हैं जिसकी साइक्लिसिटी 4 है और नंबर जो है पूरी तरह से 4 से विभाजित होता है, तो आप 7 के घात 0 मत लिख देना, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो पावर में 3 लिखना है, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो पावर में 2 लिखना है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको यहां पे 0 नहीं लिखना है, आपका जो साइक्लिसिटी है वो यहां पे जाएगा, यानी 7 की पावर 4 ही यहां पे चला जाएगा। ठीक, ऐसा कहीं कहीं पे सही भी हो जाता है, क्योंकि देखिए 7 के पावर चाहे मैं 4 लिखूं या 3 के पावर में 4 लिखूं, इसका यूनिट डिजिट 1 आता है, इसका भी 1 आता है, तो 7 के पावर 0 लिखने पर भी 1 आएगा, 3 के पावर 0 लिखने पर भी 1 ही आएगा। लेकिन गलती कहां हो जाएगा, जब 2 के घात 4 होता है तो यूनिट डिजिट 6 होता है, 8 के घात 4 करने पर भी यूनिट डिजिट 6 होता है। अब यहां अगर आप गलती से 2 के घात 0 लिख दिए और 1 बना दिया इसको, 8 के घात 0 लिख दिया और 1 बना दिया, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब शेषफल 0 बच रहा है तो 0 लिखने की गलती मत करना, हमेशा आपको क्या लिखना है, उसका जो साइक्लिसिटी है 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसलिए यहां पर पावर में 4 चढ़ेगा ना कि 0। तो ये गलती हो सकता है एग्जाम में, इसको मत करना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पर आपको दिया हुआ है ये 12 है तो इसको हटा सकते हैं, 3 के घात 21 ये 567 माइनस में 7 के घात 24 और 171 को हम हटा सकते हैं। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 के घात अगर 21 है मतलब 3 के घात 1 हुआ, 3 आएगा, माइनस में यहां 7 के पावर 24 है तो अगेन 4 का मल्टीपल है, तो 7 के घात 4 आएगा यहां पे, और 7 के घात 4 मतलब कि इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 होगा। ठीक, प्लस 8 के घात 36 है तो आपको क्या करना है, इसको देखना है, 8 का साइक्लिसिटी 4 होती है, तो अभी अभी मैंने बताया यहां पर आप 0 नहीं लिखेंगे, 8 के घात 4 लिखेंगे, 8 के घात 4 का मतलब यहां पर 6 आएगा, तो 6 प्लस 3 9 माइनस का 1 करोगे तो 8 इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा, 8 इज द करेक्ट आंसर। तो जो ऑपरेशन हो रहा है, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, उसे करते चले जाना है, उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक, तो यहां प्लस था यहां माइनस था तो ये 5 बनेगा, फिर 3 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को एक बार और मैंने लिया है इसी प्रकार का सवाल, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 6 देखते साथ समझ में आता है, ये 78 का तो कोई मतलब नहीं है, 6 देखते साथ समझ में आता है कि यूनिट डिजिट 6 होगा,
दो देखते साथ क्या समझ में आ रहा है कि 89 का तो कोई मतलब नहीं है, दो के घात यहां पे क्या है, चार है, क्योंकि 84 चार से पूरा कटेगा, दो की साइक्लिसिटी चार होती है, तो यहां आपका दो के पावर चार आएगा, यानी इकाई का अंक जो है वो सिक्स निकल के आएगा सेकेंड वाले नंबर में। एक बार फिर से आखिर वाले नंबर की बात करें तो इस 14 का कोई मतलब नहीं है, दो के पावर यहां पे कितना है, 99 है, 99 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 96+3, क्योंकि 96 चार से पूरी तरह से कटता है, दो के पावर तीन जो है इसका यूनिट डिजिट जो होता है होता है 8, तो माइनस का 8 आएगा, तो 12 प्लस में हुआ माइनस का 8 हुआ जो कि आएगा 4, तो इसका इकाई का अंक जो है वो हो जाएगा 4। क्लियर, इस तरीके से हमें हैंडल करना है इन सभी नंबर्स को, और इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना था इकाई का अंक। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका इकाई अंक हमें निकालना है। तो इकाई अंक का मतलब ये जो 472 है इससे कोई मतलब नहीं है, a के घात m के घात n का मतलब होता है a के घात m इंटू n, ये हम सीख चुके हैं। तो जब 8 के घात 333 है और उसके घात में फिर से 555 है, तो आप मल्टीप्लाई में 555 इसको कर सकते हैं। अब ये जो 8 है, 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, तो 4 की होती है, तो आपको बस ये देखना है कि ऊपर जो नंबर चल रहा है यहां से 4 से डिवाइड करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, बस इतना ही हमें देखना है। अगेन जब 4 से डिविजिबिलिटी की बात होती है तो हमें यह पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आखिरी के दो डिजिट 4 से कटने चाहिए, तो मैं यहां पर 3 हटा देता हूं, 33 से जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 आएगा, ये 5 हट जाएगा, 52+3 होता है मतलब रिमाइंडर 3 का बचेगा, मतलब कुल मिला के पावर 8 के जो है वो 3 है, और 8 के पावर 3 मतलब यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो आएगा वो आएगा 2, तो ए जो है सवाल का सही उत्तर है। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान भी है, इसको समझिएगा कि हम यहां पर 1 के घात 5 फिर 2 के घात 5 फिर 3 के घात 5 फिर 4 के घात 5 5 to the power 5, इस तरीके से 20 to the power of 5 तक हम जा रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। ठीक, तो जब भी यूनिट डिजिट निकालना है, अभी अभी हमने देखा था कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट यानी साइक्लिसिटी 4 है तो, और जिसका साइक्लिसिटी 1 हो चाहे 2 हो, सबका साइक्लिसिटी 4 तो होता ही है, यानी 1 का साइक्लिसिटी अगर 1 है तो इसका साइक्लिसिटी 4 भी तो है, क्योंकि हर एक नंबर को बढ़ाने के बाद इसका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है, तो क्या हर चौथे नंबर के बाद रिपीट नहीं होगा? उसी प्रकार ये जो 4 है ये हर दूसरे नंबर के बाद इसका साइकिल रिपीट होता है, मतलब हर चौथे नंबर के बाद भी रिपीट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यहां जो अगर 1 के पावर 5 है तो इसके जगह मैं 1 लिखूं तो भी यूनिट डिजिट वही आएगा 1 के पावर 1, क्योंकि मैंने पावर 4 से कम किया। अगर ये 2 के पावर 5 है इसको 2 के पावर 1 लिखूंगा तो भी यहां पर यूनिट डिजिट वही आएगा जो 2 के पावर 5 माना है, क्योंकि हर चौथे पावर को प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। 3 के पावर 5 की जगह 3 लिख सकते हैं, 4 के पावर 5 की जगह 4 लिख सकते हैं, ऐसा कहां तक कर सकते हैं हम, 20 तक। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको क्या याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला। ठीक, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या है, 1+2+3, ऐसा जब हम n तक करते हैं तो इसका वैल्यू होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहां से इसको उस फॉर्मूले में बैठाने की कोशिश करूं तो 20 × 21/2 आएगा। ठीक, 2 से काटोगे तो ये 10 बन गया, मतलब टोटल 210 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 है, तो यहां पर पूरे के पूरे का यूनिट डिजिट जो है वो भी 0 ही होगा। क्लियर, अब यहां से अगला वैल्यू देखते हैं, यूनिट डिजिट इसका निकालना है हमें। अब इसमें आप समझिए कि ये जो आगे का 5 फैक्टोरियल के आगे जो वैल्यूज है इसका कोई मतलब नहीं है। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n गुणे n माइनस 1 गुणे n माइनस 2, ऐसा कहां तक चलता रहेगा, 3 × 2 × 1 तक, सारे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है 1 से लेकर n तक का। तो सबसे पहली बात तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हुआ, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हुआ, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1 मतलब कि 24, और अगर मैं यहां से 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × यानी इसमें एक बार और 5 मल्टीप्लाई करना जो कि हो जाएगा 120। जैसे ही यहां पर एक बार 0 आ गया,
इसके आगे सारे वैल्यूज जो है, इसके आगे सारे वैल्यूज जो, इसका इकाई अंक 0000 इसी तरह से आता रहेगा। तो जीरो में कितना भी आप प्लस करिए, यहां से आपके सारे जो यूनिट डिजिट है वो क्या बनेंगे, तो जीरो बनेंगे। ठीक, तो इसलिए हमें 5 फैक्टोरियल के आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहां से सारे जो है इसका यूनिट डिजिट जीरो आएगा। मतलब जब इकाई का अंक निकालना है तो 1, 2, 3 और 4 में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो एक का यहां, एक फैक्टोरियल का एक है, इसका दो है, इसका 6 है और इसका 4 है। तो 6 + 4 फिर से जीरो हो गया, मतलब 1 + 2 = 3 जो है इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, क्योंकि यहां से आपका 6 बन रहा है, इसका 4 बन रहा है, 6 + 4 फिर से जीरो हो गया। मतलब 1 और 2 करोगे जोड़ने पर 3 जो है इसका यूनिट डिजिट बनेगा पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, इसी प्रकार आपको यह भी सॉल्व करना है। तो एक यहां से यूनिट डिजिट आता है, 1 के घात 1 मतलब 1 हुआ। 2 यहां से यूनिट डिजिट आता है, तो 2 × 2^2 है, प्लस इसका यूनिट डिजिट जो है 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 6 के घात 6 आ गया। ठीक, अगला वाला जो है यहां पे आपका 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 24 के घात 24 आएगा। ठीक, इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या है, तो 5 × 120^120 है। तो कहीं ना कहीं यहां से सारे जो है, पांचवें नंबर से सारे जो है वो जीरो बन जाएंगे, मतलब हमारा जो आंसर है वो यहीं तक बन जाएगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, 6 में कितना भी मल्टीप्लाई करिए, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहां से यूनिट डिजिट पहले वाले का 1 है, ये 2 × 2 × 2 है, मतलब 8 हो गया। 3 × 6 करोगे तो अगले वाले का फिर से 8 हो गया। अब इसका क्या है बताइए, आप देख पा रहे हैं कि ये 2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। और 4 के घात क्या है, तो 4 के घात 1 इवन नंबर है, 4 के पावर इवन नंबर, 4 के पावर इवन नंबर मतलब 6 होता है यूनिट डिजिट, मतलब ये जो 4 के घात 24 है इसका यूनिट डिजिट तो 6 आएगा। और इसमें एक और बार 4 मल्टीप्लाई करने पर 24 होता है, मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि 4 के घात हमने ऑड नंबर किया, तो 4 के घात ऑड नंबर करने का मतलब है कि यहां पर फिर से 4 आ जाएगा। 8 + 8 = 16 + 4 करोगे तो 20 हो गया, मतलब यहां से यूनिट डिजिट 0 बन गया, और यहां से आपका 1 आएगा, मतलब कि डी जो है सवाल का सही उत्तर। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है, इसको समझिएगा कि यहां 2, 3, 1, 9 के घात n करने पर 2 आपका यूनिट डिजिट बन रहा है, तो 3, 5, 7, 9 के ऊपर, 7 के ऊपर n करने पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो आप सब समझते हैं ये 2, 3, 1 और यहां पे 35 का कोई मतलब नहीं है। 8 के घात n करने पर अगर इकाई का अंक 2 बन रहा है, तो ये तभी होता है जब n जो हो वो 3 हो, या 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 का बचे। ठीक, तो अगर 7 के घात में यहां पर n कर रहा हूं तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, तो यहां पर फिर से 3 बचना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर हम 3 लिख रहे हैं तो यहां पर भी हम 3 करेंगे, और यहां पर अब आपका इकाई का अंक 3 बनेगा, तो बी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आपने यहां पर देखा कि 5 भी मल्टीप्लाइड है और 2 भी मल्टीप्लाइड है, तो हंड्रेड्स के प्लेस में क्या बनेगा यह समझना है। सबसे पहली बात, 2, 5 और 2, 2 जो है, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यह आपका 100 बना लेगा। तो इन दोनों को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा, तो यहां से आपके पास 2 के पावर 454 बचेगा, क्योंकि 2, 2 तो आपके 100 बनाने के लिए चले गए, और यहां से आप जानते हैं कि हम 23 के पावर 257 यहां पे बचेगा, 257। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, हंड्रेड्स का डिजिट निकालना था, तो यहां से जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपके 100 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का हंड्रेड्स डिजिट वही होगा जो यहां से यूनिट डिजिट में आ रहा है। ठीक, तो इकाई का अंक बताइए यहां से कितना आना चाहिए। 2 देखते साथ आपको समझना चाहिए कि ऊपर वाले को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक, 52। 3 है, तो 3 के बाद आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 का कोई मतलब नहीं है। 57 को जब 4 से काटोगे तो यहां पर 56 कट जाएगा, 1 जो है आपका रिमाइंडर बच रहा है, मतलब यहां से आपका 4 आएगा, यहां से आपका 3 आएगा, तो 12 है, मतलब कि यूनिट डिजिट 2 हुआ। तो इस यूनिट डिजिट 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, और फिर उसके बाद इधर पे कोई बड़ा सा वैल्यू आएगा,
तो हंड्रेड्स प्लेस में क्या है यानी सैकड़ा अंक में क्या है ये निकालना था, तो वो हो जाएगा क्लियर। चलिए अब हम इस वीडियो को यहां पे रोकते हैं। हमने इस वीडियो में क्या सीखा, तो दो चीजें सीखी, एक तो इकाई अंक निकालना, दूसरा हमने सीखा डिसेबिलिटी रूल। डिसेबिलिटी रूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज जो है पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा है। नंबर सिस्टम तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं नंबर सिस्टम को प्री के हिसाब से देखूं एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए भी अगर देखा जाए तो ये आपके इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, दूसरी बात हमने ये जो यूनिट डिजिट को देखा, यूनिट डिजिट को केवल और केवल आप इसके लिए मत रखिए कि यूनिट डिजिट का सवाल अलग से आता है। यूनिट डिजिट जो है कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में भी यूज होता है, तो मैंने आपको कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन के समय इसके पहले जो मैंने वीडियोस में बताया था कि जहां डिजिटल सम लगाना है वो, और साथ में यूनिट डिजिट चेक करके भी मैंने कुछ ऑप्शन एलिमिनेट किए थे, तो वो मैंने कैसे किया था वो आपको आज समझ में आ गया होगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाता है। चलिए अब हम इस वीडियो को यहां पर रोकेंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आगे कंटेंट को और अच्छा बेहतर करें। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ वीकली बेसिस पे जो शेड्यूल है हमारे लेक्चर का कि कब कौन सा लेक्चर आना है, कौन सा टॉपिक आना है, वो हर हफ्ते के स्टार्टिंग में अपलोड हो जाता है, वो भी आपको कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस शीट आपको वीकली बेसिस में मिल रहा है वो भी आपको वहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी आप जोड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको जो नोटिफिकेशन है इस वीडियोस का वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।